सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों देखिए कि चेंजर के अंदर वायरिंग कैसे की जाती है। अब को पता है कि अपने घर के अंदर चेंजर होते हैं, चेंजर के अंदर एक तो इनपुट लाइन होती है और दो उससे आउटपुट लाइन होती है। एक इनपुट लाइन तो खंबे से आती है डायरेक्टली और एक इनपुट लाइन और होती है दूसरे वाली, वो लाइन होती है जनरेटर वगैरह के लिए। जैसे अपन ब्याह शादियों के अंदर कई बार फंक्शंस होते हैं तो आउटपुट लाइट लेते हैं, तो एक लाइट तो आती है वो खंबे से डायरेक्ट आती है और दूसरी जो लाइट आती है वो लाइट आती है बाहर जनरेटर से, तो उसकी वायरिंग पहले से करनी होती है। दोस्तों देखिए ये जो दो लाइनें होती है वो इस प्रकार से होती है, इनमें आपस में जुड़े हुए होते हैं वायर्स, जितने भी आपस में जुड़े हुए होते हैं वायर्स जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल्स के माध्यम से बताऊंगा। जो लाइनें जुड़ी हुई होती हैं इनको मैंने एक नंबर दिया है, ये एक नंबर है ठीक है, और ये वाला जो इसको भी एक नंबर दिया है, ये लाइन एक जुड़ी हुई है इसको मैंने दो नंबर दिया है और इसको भी दो नंबर दिया है, लाइन जुड़ी हुई है। ये जो लाइन है इधर वाली इसको मैंने एक नंबर दिया है ए और इसको भी मैंने देखा है, ये जो है बी ये भी बी, यहाँ वन और टू लाइन, वन और टू ये जो पॉइंट होता है वो आउटपुट के लिए होता है, आउटपुट आउटपुट ए और ए इनपुट फेस्ट, ए और ए इनपुट फेस्ट, बी और बी इनपुट सेकंड, इनपुट सेकंड होता है, इनपुट फर्स्ट इनपुट सेकंड, इनपुट फर्स्ट इनपुट सेकंड, आउटपुट तो देखिए दोस्तों ये अपना परिपथ चित्र है। इस परिपथ चित्र के आधार पर अभी अपन प्रैक्टिकल देखेंगे किस प्रकार से चेंजर के अंदर इसके अकॉर्डिंग वायरिंग की जाती है। ये जो दो वायर मैंने यहाँ लिखे हैं ये दो वायर यहाँ जुड़ेंगे, एक वायर यहाँ जुड़ेगा दूसरे वाला वायर यहाँ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रही है वायरिंग थोड़ी कंजेस्टेड है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट दिखाया है, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाली लाइन इससे जोड़ दी इसका मतलब यहाँ जुड़ेगी, ये वाली लाइन इससे जोड़ दी इसका मतलब यहाँ जुड़ेगी। ये दोनों लाइनें आप यहाँ जोड़ सकते हो या यहाँ जोड़ सकते हो, एक ही बात है, नीचे की साइड से जोड़ सकते हो ऊपरी साइड से जोड़ सकते हो। अभी इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं।
आपने देखा कि किस तरह से चेंजर में वायरिंग की जाती है और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने घर में भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। और आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।